साथियों नमस्कार। यहाँ पर आज हम लोग जुलाई 2023 यानी कि इसके जो चर्चित व्यक्तित्व हैं राजस्थान परिदृश्य में आज हम लोग देखने वाले हैं। और राजस्थान के जितने भी कंपटीशन होने वाले हैं, जैसे पुलिस का होने वाला है और भी जो कंपटीशन की वैकेंसीज निकली हुई है वहां पर, ये साथियों में आप लोगों के लिए बहुत ही करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ। साथियों आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए और इस तरह की जो सीरीज है वो कंटिन्यू इस चैनल पर चलती रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़ने के लिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स अगर आप बनाते रहेंगे तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। साथियों तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं इस चीज के लिए कि यहाँ पर चर्चित व्यक्तित्व में जुलाई की बात हम लोग कर रहे हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी। साथियों इसका एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर आता है, जो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, उदयपुर में है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। इसके 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है 24 जुलाई 2023 को। साथियों तो सबसे मेन बात तो ये है कि आप 2021 और 22 के पुरस्कारों को अच्छे से याद रखिएगा। सबसे अच्छा जो पुरस्कार है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है मेरा पुरस्कार। साथियों 2021-22 में जो मेरा पुरस्कार दिया जाता है, देखो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा सबसे मुख्य पुरस्कार कौन सा है, वो है मेरा पुरस्कार। जो मेरा पुरस्कार है वो किसको प्राप्त हुआ है, डॉक्टर पंजा शर्मा को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, यह है जोधपुर के रहने वाले। साथियों कहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं। और इसकी जो कृति है जिसके ऊपर इनको मेरा पुरस्कार दिया गया है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा, वह है मोबाइल पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियां। यह इनकी गद्य कृति है साथियों, इसके ऊपर इनको मेरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह आप लोगों को याद रखना है साथियों। इसके बाद में सुदिंद्र पुरस्कार जो मिला है वो जितेंद्र को मिला है। तो सुदिंद्र इस तरह से आप बना लीजिए, सुदिंद्र जितेंद्र, सुदिंद्र जितेंद्र। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। जो सुदिंद्र पुरस्कार है वो भी जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है, जो धन्ना सर हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। और इनकी कृति रही है रेगमाल काव्य कृति रही थी साथियों। तो ये दो पुरस्कार आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में तीसरा पुरस्कार जो यहाँ पर दिया गया है, रांगे राघव पुरस्कार, ये भी इंपोर्टेंट में गिना जाता है। ये दिनेश पंचाल को दिया गया है साथियों, रांगे राघव पुरस्कार दिनेश पंचाल को दिया गया है, जो विकास नगर डूंगरपुर के रहने वाले हैं। और ये मिला है इनको खेत के ऊपर, खेत इनके गद्य कृति रही है साथियों, इसके ऊपर इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये तीन पुरस्कार जो ऊपर वाले दिए गए हैं, एक दो और तीन नंबर पर, इन पुरस्कारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। 2021-22 के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो मेरा पुरस्कार डॉक्टर पंजा शर्मा जोधपुर को दिया गया है, ये मोबाइल पिक हॉस्टल तथा अन्य कहानियों के लिए दिया गया है साथियों। सुदिंद्र पुरस्कार जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है, हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। और इनकी कृति रही थी रेगमाल काव्य कृति है। रांगे राघव पुरस्कार दिनेश पंचाल को मिला है, जो विकास नगर डूंगरपुर के रहने वाले हैं। और इनको मिला है गद्य काव्य कृति के ऊपर साथियों। बाकी के पुरस्कार आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुरस्कार इतने नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। तो ये तीन पुरस्कार आपको अच्छे से याद रखना है। 2020-21 में भी वही मेरा पुरस्कार आप याद कर लीजिए, डॉक्टर आरडी सैनी जो जयपुर के थे, प्रिय ओलिव के लिए इनको दिया गया था, ये भी गद्य कृति के लिए इनको मिला है। उसके बाद में मेरा पुरस्कार 2020-21 का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी और कुछ पुरस्कारों की याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक आप देखना चाहो तो रागी राघव पुरस्कार आप देख सकते हो, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा पिछले वर्षों का। रीना मेनारिया जो उदयपुर की रहने वाली है, बनास पार गद्य कथा, बनास पार गद्य कथा पर इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 2019-20 के पुरस्कारों की। इसमें भी मेरा पुरस्कार जो दिया गया था वो गोविंद माथुर को दिया गया था, ये भी जयपुर के रहने वाले हैं। तो 2020-21 में और 2019-20 में जयपुर के ही लोगों को पुरस्कार मिला है। 2020-21 में मेरा पुरस्कार डॉक्टर आर डी सैनी को मिला है, और 2019-20 में मेरा पुरस्कार गोविंद माथुर को मिला है साथियों। तो मेरा गोविंद की तो क्या थी, मेरा गोविंद की दासी थी, मेरा गोविंद की अर्धांगिनी अपने आप को मानती थी,
तो इनको मिला है। मुड़कर देखता है जीवन, कितनी बढ़िया का इन्होंने काव्य कृति लिखी है, मुड़कर देखता है जीवन, गोविंद माथुर जी के द्वारा जो जयपुर के रहने वाले हैं। 2019-20-21 में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथियों आगे बढ़ते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। साथियों मैं बहुत धीरे धीरे इस PDF को आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए उसके बाद में राजस्थान साहित्य अकादमी के वार्षिक पुरस्कारों का वितरण 19 मई 2023 को जयपुर में किया गया। साथियों इसका वितरण वैसे तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, लेकिन पुरस्कारों को जो वितरण किया गया था वो जयपुर में किया गया था, जिसमें प्रतिष्ठित जो मेरा पुरस्कार है वो मेरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया गया है। 22-23 प्रदान किया गया है, 22-23 रति सक्सेना। इसके जो अध्यक्ष हैं राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है दूला राम सारण। क्या नाम है? दूला राम सारण, इसके साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है। साथियों अब 22-23 के पुरस्कारों की घोषणा भी हो गई थी, तो मेरा पुरस्कार रति सक्सेना को मिला, और किसके लिए मिला है ये? हंसी एक प्रार्थना। किसके लिए मिला था? हंसी एक प्रार्थना के लिए। तो 22-23 के जो पुरस्कार है राजस्थान साहित्य अकादमी के, मेरा पुरस्कार मिला था रति सक्सेना को, और हंसी एक प्रार्थना के लिए इनको दिया गया था। बाकी पुरस्कारों को इतनी आवश्यकता नहीं है साथियों, नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मेरा पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है? 75,000 रुपए की राशि दी जाती है, और ये जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसका सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मेरा पुरस्कार है, राजस्थान साहित्य अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार मेरा पुरस्कार 2022-23 के लिए किसको मिला है? रति सक्सेना को मिला है, और किसके लिए मिला है, कौन सी कृति के लिए मिला है? तो वहां से एक प्रार्थना कृति के लिए ये दिया गया है। साथियों करंट की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनार्दन राय नागर सम्मान राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है, और इसमें साथियों 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 13 जुलाई 2023 को घोषित किए गए 2022, 2023 और 24 के अवार्ड के तहत अकादमी का जो सर्वोच्च रत्न सम्मान है वो किसे दिया गया? भानु भारती को दिया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये पुरस्कार जो है किसको मिला है? भानु भारती को मिला है। साथियों ये याद रखिएगा, जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है उसके जो 22 और सॉरी 23 और 24 के जो पुरस्कार है उसका जो सर्वोच्च रत्न सम्मान है वो भानु भारती को दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए तो नगद, और इसमें सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, ठीक है। साथियों आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, अलग अलग अवार्ड, इतने ये नहीं पूछे जाते हैं, आप लोग इनकी चिंता नहीं करें, और इतने सारे आपको याद भी नहीं रह सकते। साथियों आगे बढ़ते हैं, बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, 25 जुलाई 2023 को राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, 25 जुलाई 2023 को राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाई गई है राखी गौतम। राजस्थान महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाई गई है कौन? राखी गौतम को बनाया गया है। साथियों कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है ये, आप याद रखेगा। प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है? प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी है जिसको भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का यहाँ पर कप्तान बनाया गया है? दुष्यंत सिंह जाखड़ को बनाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे दुष्यंत सिंह जाखड़, इनको यूनिवर्सिटी जो भारतीय विश्वविद्यालय है उनकी जो वॉलीबॉल की टीम है उसका कप्तान बनाया गया है, और वो नाम है आपके सामने दुष्यंत सिंह जाखड़। क्या नाम है? दुष्यंत सिंह जाखड़। साथियों याद रखिएगा आप लोग, 8 जुलाई 2023 को ओसेजिक वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? ये अवनी लेखरा के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो 8 जुलाई 2023 को जो ओसेजिक वर्ल्ड शूटिंग हुई है उसमें पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में 248.3 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। ओसेजिक डब्ल्यू एस पी एस यानी कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। साथियों यह आपको याद रखना है, 10 मीटर एयर राइफल में अंक प्राप्त किए, 248.3 अंक इन्होंने प्राप्त
प्राप्त किए हैं। तो अवनि लेखरा का क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है क्योंकि स्वर्ण पदक भी जीता है इसने। 5 जुलाई को हैदराबाद में नेशनल स्विंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता तैराक, जो 5 जुलाई अभी निकली है, आप सबको पता है हैदराबाद में जो नेशनल स्विंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता, युग चेलानी के द्वारा जीता गया है। 14 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ, कब भाषण हुआ था, 14 जुलाई 2023 को वे राजस्थान विधानसभा को संबोधित करने वाली राष्ट्रपति बन गई, कौन सी पहली राष्ट्रपति, राजस्थान विधानसभा को संबोधित करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा साथियों, राजस्थान विधानसभा को संबोधित करने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू को माना गया है, और माना क्या गया है, बन गई है साथियों। 71 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति अर्थात राजस्थान ने विधानसभा को संबोधित किया। विधानसभा के 8वें सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधानसभा को संबोधित किया था, कौन सा, आजादी का अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत इन्होंने इनको सभा किया गया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में पूर्व मुख्यमंत्रियों, राजस्थान की संस्कृति, गौरव परंपरा, पृथ्वीराज राजसु, मीराबाई, मोतीलाल तेजावत और कालीबाई के योगदान का भी बहुत बड़ा जिक्र किया है साथियों। साथ ही लोकसभा ओम बिरला और राज्यसभा जगदीश धनखड़ द्वारा दोनों सदनों की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायकों द्वारा किए जाने पर राजस्थान के लिए गौरव की बात, गौरव का क्षण रहा है साथियों, यह आप लोगों के लिए भी गौरव का क्षण है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। 20 जुलाई 2023 को कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा घोषित पुरस्कारों में सूर्य नगर शिखर सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है। 20 जुलाई 2023 को कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा घोषित पुरस्कारों में सूर्य नगर शिखर सम्मान किसको मिला है, मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला जो जयपुर की रहने वाली हैं, और हिंदू सिंह सोडा को ये पुरस्कार दिया गया है साथियों। ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ये इतना कोई खास पुरस्कार नहीं है, बाकी पुरस्कारों के ये सूर्य शिखर पुरस्कार आप याद कर लीजिएगा, मनीषा कुलश्रेष्ठ और हिंदू सिंह सोडा को यह पुरस्कार दिया गया है, बाकी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप निश्चित रहिए नहीं आते। ठीक है, आगे बात करते हैं, राज्य में लागू किए गए राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022, राज्य में राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022 के संबंध में बनाए जा रहे नियम और उपनियमों के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, डॉक्टर एस के सरीन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, जो राजस्थान में राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022 बना है उसके नियम और उपनियम की जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है उसकी जो अध्यक्ष बनाई गई है वो है डॉक्टर एस के सरीन। अब डॉक्टर एस के सरीन जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। जयपुर स्थित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का कुलपति, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय पहले तो कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए, जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर है, जयपुर में है साथियों, और इनके कुलपति बनाए गए हैं डॉक्टर देव स्वरूप, डॉक्टर देव स्वरूप साथियों आपको याद होना चाहिए ये। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय पहले तो कहां पर पढ़ता है, जयपुर में पढ़ता है, और इसके जो कुलपति बनाए गए हैं वो डॉक्टर देव स्वरूप को बनाया गया साथियों, आपको याद होना चाहिए। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है, जामडोली जयपुर के अंदर पड़ता है ये विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, 30 जून 2023 को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो सीपी जोशी है उनको आयरलैंड की, कहां से, सीपी जोशी को जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो मिला है, सीपी जोशी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आयरलैंड ने दिया, किसके लिए दिया गया, सीपी जोशी को दिया गया है। ठीक है, ये आपको इतना सा ध्यान रखिएगा, आयरलैंड ने दिया है सीपी जोशी को, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब चर्चित खिलाड़ियों में आ जाता है साथियों, ये देखो थोड़ा सा आपको चर्चित खिलाड़ी रहे हैं हमारे राजस्थान के, उनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मोनिका चौधरी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इन्होंने इसमें जूडो प्रतियोगिता में 52 किलो वर्ग में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया, मोनिका चौधरी को ध्यान रखिएगा, जिसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें इन्होंने 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। शिवांगी सरड़ा, शिवांगी जो सारड़ा है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दौड़ लगाई है साहब, कितने
42.2 किलोमीटर दौड़ और 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर उत्कृष्ट इन्होंने प्रदर्शन किया है। आगे है भावना जाट, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के तत्वाधान में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में राजस्थान के ओलंपिक एथलेटिक भावना जाट ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 घंटा 37 मिनट 3 सेकंड के समय निकालकर नया मीट रिकॉर्ड बनाकर राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया है साथियों। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन बातों को अच्छे से। इसके बाद में शर्मिला मान है, ये झुंझुनू की शर्मिला मान है। शर्मिला मान कहाँ की रहने वाली है? झुंझुनू की रहने वाली है। मान का चयन दुबई में आयोजित महिला कबड्डी लीग में हुआ है, ठीक है। शर्मिला मान याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। शर्मिला मान झुंझुनू की है और दुबई में आयोजित होगी महिला कबड्डी लीग, उसमें इनका चयन हो गया। पूजा कुमावत पैदल चाल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, प्रदीप कुमार ने भी स्वर्ण पदक जीता है, यह आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आगे है नैतिक जहांगीर, नैतिक जहांगीर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारोत्तोलन में 81 किलोमीटर वर्ग में जो है इन्होंने 293 किलो वजन उठा करके रजत पदक प्राप्त किया है साथियों, नैतिक जहांगीर ने। कुशी नागदा राजस्थान जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान है, राजस्थान जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? कुशी नागदा, जिन्होंने 13वीं हॉकी जूनियर महिला प्रतियोगिता में भाग लिया। रुद्रांश खंडेलवाल, रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के रहने वाले हैं। रुद्राक्ष जो खंडेलवाल है भरतपुर के रहने वाले हैं, इनको भी यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बनाए इन्होंने जो है पिस्टल SH वर्ग वन वर्ग में 231.1 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, स्वर्ण पदक इनको मिला है। आगे बात करते हैं प्रणय चौरडिया, जो प्रणय चौरडिया है साथियों 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में इन्होंने शतरंज में स्वर्ण पदक जीता। प्रणय चौरडिया ने 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में शतरंज में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। युक्ति हर्ष ने 66वें सनल स्कूल गेम्स में शतरंज में इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है साथियों। तो ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है, बस इनके ये याद रख लीजिएगा, मोना मोनिका चौधरी, शिवांगी सरडा, भावना जाट और खुशी नागदा, ये जो मैंने बताए हैं, और एक शर्मिला मान झुंझुनू वाले पूजा कुमावत, ये आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। तो साथियों ये राजस्थान के कुछ व्यक्तित्व मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो आप अच्छे से जो है इनको पढ़ लीजिएगा। राजस्थान प्रदेश में जुलाई मंथ के चर्चित व्यक्तियों में से जो रहे हैं, किस किस को कौन सा पुरस्कार मिला है, किस किस के लिए जो यहाँ पर उनको सम्मान दिया गया है, तो ये सारे के सारे चर्चित व्यक्ति भी जुलाई मंथ के हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए हैं जो राजस्थान के हैं। राजस्थान में जितने भी वैकेंसी है वो करंट अफेयर्स आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेगी साथियों। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट डे हम लोग इसके लिए नया और कुछ करेंगे साथियों। मिलते हैं साथियों अगले इंफॉर्मेशन के साथ और अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल से जरूर जुड़िएगा साथियों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।